दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर पटना गया और पटना डिडवे तक दो जोड़ी ट्रेनें रविवार से चलेगी। जी हां, यात्रियों की सुविधाओं के लिए पूर्व मध्य रेल की ओर से पटना से गया एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मध्य दो जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन पुनर्बहाल किया जाएगा। इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों को COVID-19 मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जिन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें ट्रेन संख्या 03293 पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, 03294 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, 03335 पटना गया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और 03336 गया पटना मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन शामिल है। अगली बड़ी खबर, बरसात में बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए अभियान। 21 सितंबर तक बिहार के 2,16,00,000 बच्चों को खिलाई जाएगी दवाई। 13 जिलों के लिए 3606 स्कूल चिन्हित। जी हां, बरसात में बच्चों के पेट में कीड़े का खतरा है। यह कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग 1 से 19 साल तक के बच्चों को कीड़े की दवा देने के लिए अभियान चला रहा है। इस क्रम में बिहार के 13 जिलों के 3606 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभियान चलाकर दवाई खिलाई जाएगी। 13 चिन्हित जिलों के 200 प्रखंडों में दवा देने के लिए 33,307 आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को डॉक्टर की सलाह से लेकर कीड़े की दवा लेने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी, नालंदा, नवादा, किशनगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया, गया, लखीसराय और रोहतास सहित 13 जिलों के कुल 200 प्रखंडों के 33,606 सरकारी एवं निजी स्कूल तथा 37,254 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 19 वर्षों के बच्चों को दवाई खिलाई जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों पर नहीं कर सकेंगे केस, सरकार से लेनी होगी परमिशन। जी हां, बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने के पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि सभी मामले आपराधिक नहीं हो सकते हैं। इस मामले में स्पष्ट है कि नियोजक सरकार है तो सरकार ही कार्रवाई की प्रकृति तय करेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। अगली बड़ी खबर, टीकाकरण अभियान में बिहार नंबर 1, 30 लाख से ज्यादा लोगों ने ली वैक्सीन, सीएम नीतीश ने दी शुभकामनाएं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया था। बिहार ने भी टीकाकरण के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए बिहार वासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को आयोजित कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत 3,67,918 लोगों का टीकाकरण कर बिहार ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में चलाए गए कोविड टीकाकरण महाअभियान में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। बड़ी खबर, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी थामेंगे कांग्रेस का दामन, 28 सितंबर को हो सकते हैं शामिल। जी हां, सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस का दामन थामेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 28 सितंबर को दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की अहम भूमिका है। इन दोनों नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की मध्यस्थता हार्दिक पटेल कर रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार का बदला मौसम, पटना समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। जी हां, बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश का यह दौर अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों से ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से शिफ्ट होकर पश्चिम पूर्व की ओर जा रही है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में स्थित चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र
पश्चिम की तरफ झारखंड बिहार के साथ ही हिमालय के तराई तक प्रसारित हो रही है, जिसके प्रभाव से बिहार के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। बड़ी खबर, बिहार में सरकार ने बढ़ाया सभी बसों का किराया, लंबी दूरी और नगर सेवा दोनों पर असर। जी हां, बिहार में बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने नगर बस सेवा के साथ लंबी दूरी की बसों का भी यात्रा किराया बढ़ा दिया गया है। इसका असर पटना समेत अलग अलग शहरों में चलने वाली सिटी बसों पर भी पड़ेगा। विभाग की ओर से नए किराए की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार ने आम लोगों के साथ ही बस सेवा से जुड़े लोगों को नए किराए पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए एक महीने का वक्त दिया है। नए बस किराए की अधिसूचना की प्रति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आपको बता दें कि साधारण बस सेवा के लिए 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर, डिलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपया प्रति किलोमीटर, डिलक्स एसी बस के लिए 2 रुपये प्रति किलोमीटर और वोल्वो और मर्सिडीज बसों के लिए 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर नया किराया निर्धारित किया गया है। वहीं नगरीय बस सेवाओं के लिए पहले 4 किलोमीटर के लिए 1.6 रुपये व अगले प्रत्येक 2 किलोमीटर के लिए 1.5 रुपये मात्र किराया लिया जाएगा। विभाग ने 1 माह तक बढ़े यात्री किराए पर आपत्ति व सुझाव मांगे हैं, इसके बाद नया किराया लागू हो जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में बंपर बहाली, 65,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान, इन दो विभागों में होगी भर्ती। जी, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में सरकारी पदों पर बंपर बहाली निकलने वाली है। लगभग 20,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 रेगुलर और 8,000 से अधिक संविदा पदों पर नर्सों की बहाली की जाएगी। जल्द ही बिहार सरकार बहाली प्रक्रिया को शुरू करेगी। इसके अलावा बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली करने वाली है। बिहार में शिक्षक के पदों पर बंपर वैकेंसी है। राज्य में जल्द ही 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की बैठक में भी यह निर्णय पारित हो गया है। बड़ी खबर, बिहार में अब सिपाही बनेंगे ASI, मिलेगा प्रमोशन, DGP ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलों में पद स्थापित सिपाही और हवलदार को क्रमशः ASI और ASI सशस्त्र में प्रमोशन दी जाएगी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह प्रमोशन अस्थायी होगी और 85 दिनों तक के लिए ही प्रभावी होगा। इस बाबत DGP SK सिंगल ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए रेंज IG व DIG को पत्र लिखा है। DSP SK सिंगल ने सिपाही और हवलदार को प्रमोशन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसके तहत यह 20 सितंबर से 13 दिसंबर के लिए ही प्रभावी होगा। बड़ी खबर, CBSE ने जारी की CTET की परीक्षा की आवेदन की तिथि, 16 दिसंबर से होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 15वें संस्करण के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। CBSE के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी रमा शर्मा ने बताया कि इसमें शामिल होने के लिए 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 19 अक्टूबर तक इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट CTET.NIC.IN पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने का शुल्क 20 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 और 2 के लिए 1200 रुपये तथा किसी एक पेपर में शामिल होने के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं SC ST व दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 500 तथा दोनों पेपर के लिए 600 रुपये शुल्क देने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री ददन पहलवान के 68 लाख की संपत्ति जब्त, ED ने की कार्रवाई, डुमराव और बलिया के 11 प्लॉट जब्त। जी हां, ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित 68 लाख की संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त कर लिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। जब्त की गई संपत्ति में बक्सर के डुमराव और उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित 11 प्लॉट शामिल है। इसके अलावा गाड़ियां और बैंक में जमा रुपये जब्त किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, रुपये की शेयर कर ले सकेंगे मंदार के वादियों का मजा, 21 सितंबर को CM नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जी हां, BC के मंदार में देश विदेश से भ्रमण को आने वाले सैलानी जल्द ही रुपये का आनंद ले सकेंगे। सुबह के दूसरे रुपये का उद्घाटन आगामी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है।
की बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों को मिली राहत, फिर से चलेगी पटना इस्लामपुर और झाझा समेत 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेनें। लगातार बंद पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की हो रही थी डिमांड। जी हां, कोरोना काल में पूर्व मध्य रेलवे के तहत बंद किए गए पैसेंजर ट्रेनों को धीरे धीरे करके चालू किया जा रहा है। अब 19 सितंबर से 12 जोड़ी बंद मेमू ट्रेनें फिर से चलेगी। इसमें पटना इस्लामपुर और पटना झाझा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। लगातार इन बंद पैसेंजर ट्रेनों के चलाने की मांग हो रही थी। आपको बता दें कि जिन 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है उसमें पटना झाझा मेमू पैसेंजर ट्रेन, पटना इस्लामपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन, गया डीडीयू मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी समस्तीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी कटिहार मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, कटिहार समस्तीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, बरौनी पटना मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, समस्तीपुर सहरसा मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, कोडरमा बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन और कोडरमा महेश मुंडा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। खबर, अक्टूबर से भारत में लगनी शुरू होगी सिंगल डोज वैक्सीन, भारत सरकार ने दी मंजूरी, जानिए कितना प्रभावी है यह टीका। जी हां, अब तक भारत में लगने वाले कोरोना का हर टीका या वैक्सीन का डबल डोज लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर से देश में सिंगल डोज का वैक्सीन लगना शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने कल इस वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात यह भी है कि इस वैक्सीन का दाम भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। भारत सरकार ने कल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के ब्रिजिंग ट्रायल के फेज 3 की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने स्पुतनिक लाइट का ब्रिजिंग ट्रायल कराने को कहा है। 1 महीने में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उम्मीद है कि अक्टूबर से यह वैक्सीन भारत में लगनी शुरू। बड़ी खबर, IGIMS में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को मिलेगा 10 लाख का अनुदान। जी हां, पटना IGIMS में लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यहां गरीब मरीजों को केंद्र व राज्य सरकार की मदद से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में अब यहां 4 से 5 लाख रुपए में ही मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इससे उन मरीजों को काफी राहत मिलेगी जो पैसे की कमी के कारण लीवर ट्रांसप्लांट करने की सोच भी नहीं रहे थे। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि आज के होने वाले IPL मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।